चुनाव नजदीक आते ही नेताओं के दल बदल का सिलसिला शुरू हो जाता है। राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को पहला बड़ा झटका महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बीजेपी में शामिल होकर दिया था। लेकिन मालवीय इतने पर ही नहीं रुके, वो खुद तो बीजेपी में शामिल हुए ही, इसके साथ ही उन्होंने कई कांग्रेसियों को भी बीजेपी में शामिल करवा लिया है। अब एक बार फिर मालवीय कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। दरअसल राजस्थान में दूसरे चरण के लोकसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय अपना नामांकन पत्र इसी दिन दाखिल करेंगे। मालवीय ने दावा किया कि इस सभा में 1,00,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। इससे पहले कुशलबाग मैदान में आयोजित सभा को सीएम भजन लाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी संबोधित कर सकते हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रजीत मालवीय ने दावा किया कि 4 अप्रैल को कुशलबाग मैदान में आयोजित उनके नामांकन सभा में 1,00,000 लोग शामिल होंगे और ये सभा अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक सभा होगी। हालांकि इससे पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय अपना नामांकन पत्र 2 अप्रैल को दाखिल करने वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री की सभा के चलते अब वो 2 दिन बाद नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और इसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति भी निर्धारित थी। लेकिन 4 अप्रैल को भी उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा महेंद्रजीत मालवीय की नामांकन सभा में शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ मालवीय ने बड़ा दावा किया कि इस सभा में बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के कई कांग्रेस पदाधिकारी सीएम भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में भाजपा का दामन थामेंगे। कुशलबाग मैदान में आयोजित सभा के दौरान कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके नगर परिषद बांसवाड़ा के सभापति जनेंद्र त्रिवेदी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कई पार्षद भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बांसवाड़ा क्रिकेट संघ के सचिव और कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले जिला प्रवक्ता मनीष देव जोशी समेत पूर्व पार्षद मनीष एन त्रिवेदी और कई पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। बताते चले कि बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से फिलहाल कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। अब इस बीच मालवीय बांसवाड़ा डूंगरपुर में काफी मजबूती से कांग्रेस से लोहा लेते हुए नजर आ रहे हैं।